हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आकाश और आज का जो वीडियो है वो है कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में। आज मैं आपको पांच कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही फेमस है और बहुत लोग यूज़ करते हैं और बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप इसको यूज़ करेंगे अपने SEO के लिए, अपने अगले यूट्यूब पोस्ट के लिए या आर्टिकल के लिए या अपने एडवर्टीजमेंट के लिए। जैसे कोई बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग काम करते हैं तो वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, तो उसमें वो एड्स कहाँ शो होगा इन सब चीज़ों में भी ये काम आता है। और कीवर्ड रिसर्च टूल से आप कोई भी चीज़ बहुत ही सटीक तरीके से जान सकते हैं, बहुत ही सटीक तरीके से टारगेटेड ऑडियंस के पास वो चीज़ पहुँच सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरा जो कीवर्ड रिसर्च टूल का नाम है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो है सेमरस। सेमरस जो है बहुत ही फेमस है, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। ये एक पेड टूल है जहाँ पे आप कीवर्ड डिफ़िकल्टी, CPC, डीप एनालिसिस कर सकते हैं। जितने भी पेड कीवर्ड हैं उसमें आप बहुत कुछ आपको मिलता है जो इस लिस्ट में मैं बताने वाला हूँ पांच कीवर्ड के, वही लीजिएगा क्योंकि और अदर्स आप लेने जाएंगे तो उतना बेहतरीन नहीं मिलेगा। और जो इन सब में से सबसे बेहतर होगा वो भी मैं बताने वाला हूँ, और लास्ट में एक फ्री कीवर्ड टूल भी बताऊंगा जो कि बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही अच्छा है। तो सेमरस आप यूज़ कर सकते हैं CPC के लिए और बिड वगैरह के लिए कि आपके जो आर्टिकल लिखने जा रहे हैं उस पर कितने एडवर्टीजमेंट चलते हैं और कितने महंगे एडवर्टीजमेंट चलते हैं इसका आप पता कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, एक तो सेमरस हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि KW फाइंडर है। KW फाइंडर भी पेड है, आपको यहाँ पर भी पैसे दे के और फिर इसको यूज़ करना होगा। लेकिन KW फाइंडर मैंने पर्सनली उतना नहीं यूज़ किया है, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे बताया कि काफ़ी अच्छा रहता है, आप इसको यूज़ करें और मतलब ठीक ठाक ही रहता है। लेकिन मैंने सच बताऊं तो मैंने यूज़ नहीं किया, तो मैं क्यों दूसरे के बोलने पे करूं। लेकिन पांच लिस्ट में से ये भी आता है और जेन्युइन है, ख़राब नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल यूज़लेस है। और फिर उसके बाद आ जाता है मोज कीवर्ड टूल। मोज भी बहुत अच्छा है, मोज मैंने यूज़ किया हुआ है कुछ साल के लिए, 1 साल के लिए लगभग मैंने यूज़ किया था और आर्टिकल भी लिखे थे, आर्टिकल बहुत अच्छे से रैंक भी हुए थे। लेकिन वही बात आ जाती है कि अगर आपके हाथ में जो है दे दिया जाए, आपको किसी बिजनेस पर बैठा दिया जाए, बना अपनाया बिजनेस, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे चलाते हो, है कि नहीं। आपको अगर पैसे दे दिए जाए, 10,000 रुपये दे दिए जाए, तो आप उस 10,000 को ऐसे खर्च भी कर सकते हो एक बार में, या उसको आप कुछ और इन्वेस्टमेंट करके उसको और बढ़ा भी सकते हो। तो यहाँ पे आपको सारे जो टूल हैं सारे प्रोवाइड हो जाएंगे, लेकिन आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। तो उसके लिए आपको जो है सर्च करना पड़ेगा कि कैसे क्या यूज़ करते हैं, अपना थोड़ा खुद का साइकोलॉजी लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से उसको लोग पसंद करेंगे। जैसे हाउ टू कीवर्ड बहुत चलते हैं, तो हाउ टू कीवर्ड यूज़ करना ये सब। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है HRF टूल। और HRF टूल के बारे में मैं जितना तारीफ करूं उतना कम है, क्योंकि आप थोड़ा महंगा भी है ये टूल, आप जैसे खरीदने जाओगे तो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव भी लगेगा अगर आप अर्निंग नहीं करते, आप एक स्टूडेंट हो जैसे कि मैं पहले था, तो मेरे लिए ये उस टाइम बहुत महंगा था तो मैं इसको खरीद नहीं पाता था। और मैंने फ्री वाला जो इसमें थोड़ा बहुत पार्ट, थोड़ा बहुत सेक्शन फ्री में मिलता है, जैसे कि आप कीवर्ड के रिलेटेड कीवर्ड सर्च कर सकते हो कि अच्छा इसके रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड मिल सकते हैं, उसको मैं टैग में यूज़ करता था या आर्टिकल के डिस्क्रिप्शन में यूज़ करता था। तो आप भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, कुछ फ्री है। आप मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप इन सारे लिस्ट में जितने भी हैं सब पे एक एक बार जाके चेक कर लेना वेबसाइट कि किस तरीके का क्या क्या, कुछ कुछ चीज़ें फ्री भी हैं इनमें और लेकिन सारे पेड ही हैं, केवल एक को छोड़ के जो ना अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। लेकिन पहले HRF टूल के बारे में मैं बता दूं। HRF टूल में ऐसा है कि इन लोगों का जो यूट्यूब पे ये लोग बताते भी हैं किस तरीके से यूज़ करना है, और यूट्यूब पे कुछ फ्री कंटेंट भी है इन लोगों का जो कि SEO वगैरह के बारे में कीवर्ड दे देते हैं कि SEO पे ये चीज़ आपको पढ़नी है तो आपको अच्छे से SEO की जानकारी होगी और आप वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं। लेकिन HRF मेरा इन चारों में से अभी तक जितना भी मैंने चार को बताया इन चारों में से सबसे रिकमेंडेड है, हालांकि पाँचों में से है अगर पेड आपके पास पैसा है, बजट अच्छा खासा है, तो पांचों में से सबसे बेहतरीन जो है वो HRF ही है, आप यूज करो। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि आप कीवर्ड यूज करने से पहले कुछ कंटेंट बनाओ। हो सकता है कि आपका थोड़े देर के लिए एक्साइटमेंट हो बनाने के लिए वीडियो या आर्टिकल लिखने के लिए,
और फिर आपका वो खत्म हो जाए, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए, तो आपका पैसा भी फंस जाएगा और ये रिटर्न नहीं करते हैं ये वेबसाइट वगैरह। अगर आपने इस पे पैसे लगाए एक बार तो रिटर्न नहीं मिलने वाले हैं आपको। तो सबसे पहले आप कुछ वीडियो बनाओ, 5-6 वीडियो बनाओ या 10 वीडियो बनाओ या 10 आर्टिकल लिखो, उसको अच्छे से SEO वगैरह करो खुद से ही पहले, और फिर अगर आपको लगता है कि कंटिन्यू करना है तब आप इन्वेस्ट करो इन सब चीज़ों में। नहीं तो मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि फ़ोन या कैमरा लेके या माइक लेके खरीद के रख लेते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते उसका। अब नंबर वन पे जो है वो फ्री है, और सबसे बड़ी कंपनी और सबसे पुरानी कंपनी भी है। 1998 सितंबर में ये लॉन्च हुआ था, ये पर्टिकुलर जो कीवर्ड प्लानर है ये गूगल कीवर्ड प्लानर है। इसमें आप कीवर्ड डिफिकल्टी, बिड एस्टिमेटेड, CPC वगैरह सब कुछ पता कर सकते हैं कि कितना, मोस्टली इसी पर से एडवर्टीजमेंट चलते हैं, और ये आपको जेन्युइन एक एवरेज बता देता है प्राइस की, किस प्राइस का आपको कौन से कीवर्ड पे किस प्राइस का एडवर्टीजमेंट चल रहा है, CPC क्या है, कॉस्ट पर क्लिक क्या है। आप अगर आपके आर्टिकल पे इस कीवर्ड पे आपने आर्टिकल लिखा और उस पे एड्स आ रहे हैं तो आपको एवरेज CPC क्या मिल सकता है, मिनिमम CPC क्या है, मतलब होता है ना कि अच्छा खासा जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और टोटल फ्री है, सबसे बड़ी बात कि सबसे बड़ी कंपनी भी है गूगल और सबसे फ्री भी दे रही है। हालांकि इसमें भी जो है आप पता कर सकते हैं अच्छे से कि क्या क्या है, लेकिन उतना इन डेप्थ नहीं एनालिसिस कर सकते हैं क्योंकि फ्री है और ज़्यादातर लोग जो है HRF टूल पे जाते हैं। तो आप भी HRF टूल पे जा सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कंडीशन, अगर उसको आप लोग जो है ठीक है आपको लगता है नहीं लगा सकते हैं बहुत पैसा है तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और मैंने 5 लिस्ट दिया आपको, 5 में से मेरा पर्सनल फेवरेट और रिकमेंडेड जो है पेड में वो है HRF टूल, फ्री में ऑब्वियसली गूगल, गूगल से बेहतर क्या हो सकता है कि नहीं, उसी पर रैंक करवाना है तो उसी का यूज़ करते हैं क्यों। तो वीडियो लाइक कर देना आप लोग, अगर पसंद आया हो तो कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई बात हो जो कि टॉपिक हो जो कि आपको नहीं समझ में आ रही हो और आपको उसको अच्छे से क्लियर करना है तो कमेंट कर सकते हो। और हाँ, एक मेरा वेबसाइट है, इंश्योरेंस वेबसाइट ही है वो, तो अभी क्या है कि उस पर भी एक अगला टॉपिक मेरा आने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा, तो चैनल पे बने रहिएगा क्योंकि वो मैं बता दूं कि आपको बहुत पैसे सेव करेगा जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ आगे। तो चलिए यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आप लोगों को, और बाय।